के मंदिर में या देवालय में, आप जहाँ भी जाते हैं मंदिर में देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण वस्तुएं आपको अवश्य मिलेगी, एक तो गरुड़ घंटा और एक शंख। शंख और गरुड़ घंटा जो है वो पूजन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो मेरा प्रयोजन है वीडियो बनाने का, वो यह है, किसी का प्रश्न आया था कि उसमें गरुड़ जी की ही मूर्ति या आकार क्यों बनाया जाता है, अन्य का क्यों नहीं। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ये जो शास्त्रोक्त है ये कोई मनमुखी बातें नहीं है, गुरुमुखी बातें हैं और शास्त्रों से ली गई बातें हैं। तो आपको मैं आप बता देता हूँ कि जो गरुड़ घंटा है वो इसलिए होता है कि गरुड़ के प्रश्न का उत्तर भगवान ने इस प्रकार से दिया था। गरुड़ जी ने एक बार पूछा कि हे प्रभु, जहाँ जहाँ आपका अर्चन होता है और जहाँ जहाँ आप विद्यमान होते हैं, जहाँ आप जाते हैं वहाँ पर आपका संकीर्तन होता है, तो हे प्रभु मैं वहाँ पर किस प्रकार से पहुँच सकता हूँ, यदि आप मुझे नहीं ले जाते हैं तो मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ आपके साथ। तो भगवान ने कहा था कि हे गरुड़, तुझे भी पता नहीं कि तेरे पंखों में सामवेद के गायन हैं, सामवेद के गान हैं, सामवेद की ऋचाएं हैं, जो तेरे दोनों पंखों में विद्यमान है। गरुड़ के दोनों पंखों में बृहद साम और रथंतर साम, ये दो हैं, दोनों पंखों में ये विराजमान होते हैं। अब गरुड़ भगवान जब भी पंखों से उड़ते हैं या अपने पंख लहराते हैं तो उनमें जो ध्वनि निकलती है वेदों की ऋचाएं निकलती है, साम वेद निकलता है, साम वेद का गान होते रहता है। इसलिए भगवान के मंदिर में भगवान के कहने से गरुड़ घंटा, जो घंटी होती है उसके ऊपर गरुड़ जी का प्रतीक होता है, गरुड़ जी का आकार होता है, गरुड़ जी की मूर्ति स्थापित रहती है। तो जब भी गरुड़ घंटा का नाद होता है, आवाज़ होती है, तो घर में यदि वाद्य यंत्र भी ना हो, कोई भी ना हो, तो आप गरुड़ घंटा मात्र से ही ये सभी कार्य जो संकीर्तन के होते हैं वो कर सकते हैं। आरती, नैवेद्य, आचमनी, स्नान जो जो होते हैं इनमें भी आप गरुड़ घंटे का प्रयोग करें, क्योंकि गरुड़, आपको मैंने बताया कि दोनों पंखों में बृहद साम और रथंतर साम दोनों विराजमान होते हैं और वहाँ से ये ध्वनियाँ निकलती रहती है सामवेद की। इसलिए गरुड़ घंटे के ऊपर गरुड़ जी रहते हैं, घंटी के ऊपर गरुड़ जी रहते हैं, भगवान ने आशीर्वाद दिया था उन्हें इसलिए। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी, सभी शेयर करें, बड़ी गूढ़ रहस्य की जानकारी है, शास्त्र सम्मत जानकारी आपको प्राप्त होगी तो आपको इस चैनल पे हो सकती है। आप उसे कमेंट में प्रश्न भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।